नमस्कार आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हिलर में स्वागत है आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 25 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है क्वेश्चन शादी कब तक होगी बच्चे कितने होंगे गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी अगर नहीं लगेगी तो बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ ये भी मुझे बता दीजिए कन्फ्यूज़न बहुत रहती है मेरे लाइफ में और मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ ठीक है मेरे आ, मेरे हाथ में बहुत सारे साइन बने हैं मुझे सब साइन जानने हैं अगर देखो आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछोगे मुझे सब फिर तो मैं आप आपको साइंस से इंपॉर्टेंस नहीं है ना आपके जीवन में एक एक साल में क्या होने वाला है वो बताऊंगा ना अगर पर्टिकुलर जैसे आपने निशान लगाया इसका मतलब बता दो तो, अब देखो मैं कहाँ से शुरू हो रहा हूँ ये कहाँ खत्म हो रहा है आपका मतलब तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है ना इसका ये जब साइन यहां से लेकर यहां तक का बना हुआ है इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में इस गुरु पर कुछ स्ट्रेंगल्स बने हुए हैं आप अपने पिताजी से रिलेटेड कुछ काम जरूर करोगे आपने एक क्वेश्चन मुझसे कहा कि मुझे मेरे पिताजी मेडिकल से अगर मैं उस फील्ड में जाऊं तो क्या तरक्की मिलेगी और मैं आपको गवर्नमेंट जॉब बोल ही नहीं रहा मैं बोल रहा हूं बिजनेस करोगे आप तो आपको पहले मैं बुक पढ़ूंगा तभी तो बताऊंगा आप कहो कि केवल इस पर्टिकुलर चीज का मतलब है इसका कोई मतलब नहीं होते लेकिन इस लाइन को पकड़ते हुए अगर मैं यहां तक पहुंचूंगा कहाँ तक पहुंचूंगा तो मैं एक एक साइन बता दूंगा कि ये गुरु है गुरु पर यहां पर यह साइन क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो मैं सब कुछ बता सकता हूं तो पहले आपको यह चीजें पता होनी चाहिए गुड टाइम बैड टाइम वो मैं सब कुछ बता दूंगा हाँ आपका एक हाथ जो राइट right हैंड है वहां पर शादी की रेखा के आसपास यानी गुरु आपके बुद्ध पर्वत पर ट्रेंगल बने हुए हैं लेकिन मैंने उस पर भी पूरी की पूरी छानबीन करी उसमें भी आइसलैंड है करोगे बिजनेस उसमें भी दिक्कत आएगी डेफिनेटली आएगी आपके पति को भी आएगी ये बुद्ध है बुद्ध परिवार अब बुद्ध बिजनेस की ओर इंडिकेट करता है ठीक है वो भी चीजें बताऊंगा देखो चीजों को समझते हैं हम पहली बात चीजों को समझते हैं देखो समझाता तो, हूँ <coughs> ये जो है ट्रेंगल है ये एक रेखा है ये कालापन है ना आपका कॉलेज जो होगा उसके साथ साथ आप जिम्मेदारियों को भी आप निभाती हुई मिलोगी यानी इस 19 से 20 साल के बीच में ये एक्टिविटी भी होनी है ये जो समय है ये वाला जो समय है। दो रेखाओं चल रही है ना ये जो दो रेखा चल रही है ये देखो ध्यान से समझना इस वाली साइन के बीच में एक प्रॉपर्टी का साइन है 16 से 17 साल ये डिस्टरबेंस का है ना 16 में कोई प्रॉपर्टी ये देखो ये यहीं से प्रॉपर्टी का कंसर्न मुझे समझ में आ रहा था आ रहा था नहीं आ रहा था और इन दो रेखाओं का मतलब ये होता है कि चौदह से पंद्रह में कोई एक जगह से दूसरी जगह पर और इससे पहले इस जगह पर मैं पहुंचता हूं तो मैंने ये वाली लाइन देखी थी मैंने कहा दस से ग्यारह साल के बीच में कोई ना कोई घर पर कोई बीमार या कोई ना कोई जरूर होगा तो ये जो कंसर्न है ये आपके परिवार का है जिसमें परिवार में आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं वो जिसमें हेल्प मिलेगी आपको वो यहां पर मैंशन है ठीक है अब देखो ये क्या था उन्नीस ये क्या बीस अब पता ही इसी रेखा पर एक छोटा छुटकू सा ये क्या है ये पेपर है ये पास ही नहीं होगा पेपर एक पेपर अटकेगा पूछो क्यों क्योंकि ये काली रेखा यहां पर क्या करने आ गई थी अगर यहां पर ट्रेंगल था अगर ये ट्रेंगल था तो ये देखो ध्यान से देखना इन इन जगहों पर ये, ये वाली रेखा है और ये आइसलैंड क्यों आना शुरू हो गया पतला सा तो यानी यहां पर है कुछ तो मैंने क्या कहा पेपर रह रहा था क्या कोई आपका क्योंकि ये एक राहु का प्रभाव है 21 साल यानी 20 से 21 साल पर कोई चीज और यहां पर फिर टेंशन 23 से 24 साल के बीच में ये 23 और 24 22 साल से आपने कुछ करना चाहा देखो यहां पर ये जो साइन है ना मैं आपको शायद कोई एक पिक्चर दिख जाए जिसमें यहां दिखेगी आपको ये दिख जाएगी देखो ये एक ट्रैंगल था 19 20 ये एक रेखा ये एक राहु का प्रभाव ठीक है ये पेपर रहेगा आपका ठीक है अब देखो इस जगह पर देखना कुछ करना है मन में आएगा कि भैया 22 मैं कुछ और कर लेती हूं कोई पेंटिंग या कोई दूसरा कोर्स या कोई दूसरी चीजें 22 से 23 साल में ये चीज सोचना शुरू कर दो आप लॉजिक समझा रहा हूं उसके बाद ये रेखाएं जो होती है पढ़ाई की होती है ये बीच वाला जो कंसर्न समझ में आ रहा है पच्चीस से छब्बीस साल यहां आप अपना गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम से रिलेटेड सोचोगे ये वाली जो साइन है ये पिताजी से रिलेटेड है तेईस से चौबीस साल के बीच में ठीक है अब देखो ध्यान से देखना पच्चीस पर मैंने कहा ना आप कुछ कर, आप अपना स्टडी से दो रेखा क्यों आ गई सत्ताईस पर ये सत्ताईस पर ये दो रेखा का क्या कंसर्न है यानी इस सत्ताईस पर आकर आपका कुछ होना है यानी शादी से रिलेटेड तो नहीं है फिर हमें सूर्य पर्वत पर चेक कर लूंगा मैं तो यानी छब्बीस और 27 पर कोई रिश्ता भी होना है रिश्ता भी होना है और आप ये रेखाओं के मतलब समझते हो इन रेखाओं के मतलब समझते हो किसने किस रेखा को पकड़ा हुआ है भाग्य ऑफशूट है ना ऑफशूट है ना ये ऑफशूट कहां से निकल के आ रहा है ये देखो ये यहां से निकल के आ रहा है मैंने कहा आप छोटी मोटी अर्निंग 24 साल से जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हो और ये टीचिंग लाइन होनी चाहिए जी हां मैंने कहा अर्निंग हो रही है अब यहां पर यह ट्रेंगल क्यों बनाया हुआ है आप कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं 25 से 26 साल के बीच में आप उसमें कंफ्यूज हो उसमें कंफ्यूज हो अब आपने तो बताया ही नहीं कुछ ये जो साल ये जो रेखा टर्न करी है ना ये एक्चुअल में मैंने कहा कहीं बाहर जाना चाहती हो नहीं सर मैं भारत तो, नहीं जाना चाहती आपने ये कहा लेकिन मेरे फार्मूले सटीक बैठते हैं याद रखना ये एक प्रॉपर्टी है अगर यहां पर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन या कोई चीज यहां पर पेंडिंग पड़ी है देखो ऊपर तो यह रेखा यहां पर बनी है ना यानी करवाना तो चाहते हो अगर नीचे वाले समय पर आपको यहां राहु के प्रभाव चल रहे हैं ना ये एक पूरा का पूरा एक कंसर्न ट्रेंगल बनाया हुआ है ना यानी कोई कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आएगी यानी 27 से 28 साल यानी ये थोड़ा सा पेंडिंग चलेगा यानी जो चीज कंप्लीट होगी वो 27 से 28 के बीच में होगी आपने तो बताया ही नहीं आपने कहा मैं तो निभा जाना चाहती मैंने कहा ये तो है साइंस सत्ताईस से अट्ठाईस साल के बीच में टर्न की रेखा है और ये टर्न का मतलब ये टर्न का मतलब आपकी शादी भी है ओहो क्योंकि इसी के ऊपर ये रेखाएं और ये सारा कंसर्न ये ट्रेंगल बना हुआ है ये ट्रेंगल बना हुआ है तो इट मींस ये वो चीजें यहां पर मेंशन है ओहो समझ में आ गई अच्छा सर मुझे बताइए मेरा मेरे हस्बैंड से रिलेटेड या समथिंग देखो देखो अगर इस हृदय रेखा के नीचे इसके नीचे कोई भी फॉर्मेशन जैसे ये आइसलैंड चल रहा है ठीक है यह चल रहा है तो यहां पर आपको कोई परेशानी आएगी अब वो परेशानी यहां पर ये यह घर बना हुआ है ना ये घर बना हुआ है तो ये सत्ताईस और अट्ठाईस साल पर आपका घर है ना ये मईका है ना मईके में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है तो ध्यान रखिएगा कहीं पिताजी खराब की तबीयत देखो ये साइन जो होता है किसी की तबीयत खराब होने का होता है तो यानी तेईस से लेकर किसी की ना किसी ना किसी की तबीयत खराब होना यहां पर भी किसी की तबीयत खराब होगी क्योंकि यहां पर आपके घर पर डिस्टर्बेंस चल रही है तो इस समय पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा सत्ताईस से अट्ठाईस साल पर भी और अगर कोई घर की कंस्ट्रक्शन आपने बताया है, लेकिन मुझे यहां पर ये ट्रेंगल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको डिले होगा थोड़ा सा जो कंप्लीट होगा सत्ताईस से अट्ठाईस साल के बीच में होगा और यहीं पर आपकी शादी होनी है मैं तो यही ट्रेंगल को समझ गया था यहां पर और इसके बाद ये रेखा आई थी आप बता ही नहीं रहे कुछ भी एनी anyway, मेरे फार्मूले बिल्कुल सटीक बैठते हैं ठीक है आपकी शादी जो है एक रिश्ता जो है छत्तीस से छबीस से सताइस साल पर जरूर आएगा लेकिन आपको टेंशन चाहे वो ससुराल पक्ष की हो या कुछ हो जरूर पर आनी है ठीक है वो कट के निशान जा लगे हैं ना वो मैं आपको समझा दूंगा सूर्य पर्वत पर जहां जहां कट के निशान वाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी वहां पर मैंने वो कैलकुलेशन बत्तीस छत्तीस उनतालीस uh, इकतालीस इन सालों पर पैंतालीस और सैंतालीस साल इन सालों पर मैंने आपकी लाइफ में चीजें कही हैं ठीक है थीके? क्योंकि देखो ये नीचे नीचे से रेखाएं जो चल रही हैं ना नीचे नीचे से रेखा जो चल रही है ये साल ये साल इन पर जो है जो प्रॉब्लम्स आती है ना तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ता है ठीक है ये आइसलैंड आए हुए एनी तो सबसे पहले तो अभी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई कोचिंग से रिलेटेड करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन आप अपने पापा वाला काम भी कर सकते हो यानी मेडिकल से रिलेटेड लैब खोलना कोई और ये कौन से होते हैं केमिस्ट आप समझ रहे हो इनसे रिलेटेड भी है ये भी कर सकते हो ठीक लेकिन 27 से 28 साल के बीच में आपकी शादी मैंने तो वैसे 26 से 27 में ही बोला रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और यहां पर मैंने आपकी लाइफ में कहा लेकिन यहां पर पिताजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम और घर पर थोड़ा सा डिलेपन होना निश्चित है यह चीज समझ आ गई ठीक अब आगे चलते हैं देखो ध्यान से समझना ये मंगल रेखा होती है ये मंगल रेखा होती है इन मंगल रेखा पर कोई कट के निशान आते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है तो उनतीस पर भी हेल्थ प्रॉब्लम है आना जाना आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है पहली बात अब इस पर कुछ स्क्वायर और ये स्क्वायर बना हुआ, हुआ है ये प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं तो इट मीन्स कि यहाँ 30 और 31 साल पर अगर कोई काम करना चाहो तो किया जा सकता है रीज़न क्या है कि ये यह यहाँ पर ये यह तो मुड़ गई ना रेखा ये तो मुड़ गई तो इट मीन कि इस जगह पर ये क्यों बनाए हैं अगर कोई काम करना चाहो तो यहां से किया जा सकता है हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी तीस साल पर लेकिन यहां से आप तीस और इकतीस साल पर आना जाना कोई लोन लेने की संभावना कोई यहां पर काम करना चाहो तो वो भी किया जा सकता है 33 चौतीस साल फिर तेतीस और चौतीस साल का टाइम पीरियड आता है यहाँ पर भी शायद आप अपने माइके पर आओ जाओ क्योंकि तो मुझे जो ये रेखा के बीच में भी कोई रेखा टर्न हो रही है ये माइके से रिलेटेड होती है रेखाएं तो यहाँ पर भी वो मुझे कंसर्न दिखाई दे रहा है ठीक है तैतीस से चौतीस में कोई चेंज भी करोगे चौंतीस में कोई दिक्कत भी आएगी अब वो कैसे पकड़ते हैं मैं वो भी समझा देता हूँ देखो इन रेखाओं का कंसर्न इस रेखा के साथ है ठीक है यहां चौतीस पर एक ट्रेंगल बनाकर कुछ करना है तो यानी इस जगह पर कोई ना कोई दिक्कत आएगी ये देख लो यहां पर दिक्कत है तो चौतीस से चौतीस से चेंज यहां से काम अगर चौतीस से काम है तो इस जगह पर तो राहु का प्रभाव चल रहा है यानी छत्तीस पर ये काम को बढ़ाने की रेखा भी है और राहु के प्रभाव भी चल रहे हैं इट मीन कि छत्तीस पर मैंने छत्तीस से सैतीस साल पर दिक्कत लिखी है और उसके बाद ये आइसलैंड है बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी सैंतीस से उनतालीस साल के बीच में दिक्कत है तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में चौतीस के बाद एक चेंज लिखा है ये जो रेखा यहां पर बीच में आ गई है ना ये चेंज जरूर कराएगी देख लो दिक्कत कितनी आ रही है आपको और आपके पति को अभी तक तो यहां पर चीजें आ रही हैं तो अगर आपने कोई प्रोफेशन चेंज करा तो ज्यादा दाम पर ज्यादा पैसे लगाकर मत कीजिएगा चौतीस तो साल, साल के बीच में यहां कोई चेंजिंग आनी है यहां से कुछ दूसरा काम करोगे और वो काम में भी छत्तीस साल में दिक्कत दोबारा आएगी छत्तीस से सैतीस साल काम को बढ़ाना चाहोगे किसी किसी भी पैसे कहीं से अरेंज करके लेकिन चलेगा ही नहीं काम और सैंतीस से उनतालीस साल मेजर प्रॉब्लम आएगी इस आइसलैंड के कारण मेजर प्रॉब्लम आएगी इसके बाद ये वाला ट्रेंगल और आपकी लाइफ में काम बढ़ाने की रेखा बनी हुई है लेकिन मैंने लिखा है धीरे धीरे बढ़ाना धीरे धीरे बढ़ाना यानी चालीस इकतालीस साल काम तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ चालीस पर एक दिक्कत दिखी है वो दिक्कत क्या है हेल्थ प्रॉब्लम है ये देखो ये हेल्थ प्रॉब्लम है यानी ये आइसलैंड आया हुआ है ये वो दिक्कत है तो यानी हेल्थ प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हो रही है ये देखो इस जगह पर भी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है इस जगह पर भी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में उनतालीस साल जो है यहां पर कुछ प्रॉब्लम है और फिर आपने सैंतीस से एक नया काम भी शुरू करना है अब देखो अब मैंने यहाँ तो कह दिया था लेकिन इस साल के बाद ज़रा देखोगे ये रेखा क्या बना रही है इट मीन्स कि यहाँ से काम भी शुरू करना है आपने सैंतीस से एक आपने का दुकान या कोई काम समथिंग सैंतीस से अड़तीस साल के बीच में वो करोगे उनतालीस में घर पर दिक्कत आएगी चालीस में कोई आ, आ, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है ये वो चीज़ है लेकिन जब कोई उल्टा ट्रेंगल उल्टा कोई स्क्वायर बनता है स्क्वायर बनता है मैं वो भी दिखा देता हूं ये आइसलैंड है पूरा का पूरा देखो यव का निशान है, है ना ये दिख रहा है आपको हां दिख रहा है सर उसके बाद देखो टर्न की रेखा भी है है ना तो यहां तो दिक्कत है ही है लेकिन ये उल्टे स्क्वायर क्यों बनने शुरू हो गए और इसके नीचे रेखा क्यों घूम रही है कोई लाभ मिलेगा आपको याद रख लेना कोई प्लॉट या कहीं से आपको पापा की तरफ से या ससुराल पक्ष से जरूर मिलेगा ये समय आपका लगभग इकतालीस साल के करीब होगा ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में कुछ बीमारी की रेखाएं या समथिंग यहाँ पर आनी शुरू हो रही है यहाँ से शुरू हो रही है ये देखो तो ये वो रेखा है इसके बाद एक रेखा को घुमा दिया गया है तरतालीस साल ठीक जाएगा आपका और उसके बाद लेकिन तैतालीस वैसे ठीक जाएगा यानी वैसे ठीक जाएगा लेकिन अगर ज़्यादा काम को बढ़ाओगे तो दिक्कत आएगी क्योंकि देखो ऊपर देख लो ये देखो ऊपर देख लो ऊपर भी यहां पर देखो काम तो घूम रहा है यानी काम तो बढ़ाने की कोशिश है लेकिन दिक्कत है क्योंकि इस रेखा ने यहां पर देखो दिक्कत दे रखी है तो इट मीन्स कि यही रेखा दिक्कत देगी देगी तो यानी तिरतालीस और पैंतालीस पर दिक्कत है तो तैंतालीस से पैंतालीस साल तैतालीस में भी दिक्कत आएगी तैतालीस से चालीस साल पैंतालीस साल पर यहां पैंतालीस का मतलब यह है कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी यानी तैतालीस चौलीस में काम की दिक्कत और पैंतालीस साल पर हेल्थ प्रॉब्लम लेकिन जब दो रेखाएं कोई भी दो रेखा आगे आनी शुरू हो जाती हैं देखो ये दो दो रेखा क्यों आई यानी ये दो रेखा आने का मतलब ये प्रॉपर्टी का कंसर्न है कोई प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है यानी कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है छियालीस और साल पर कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है अब देखो ये साइन क्या है कुछ करना है अड़तालीस साल से आप एक काम शुरू करोगे अब इसके बाद यहां पर ये वाला साइन क्या है कि मुश्किल पैदा करेगा आपको वो काम आपका पचासवें साल पर आकर थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ इक्यावन पर किसी को पैसा दे दोगे तो नुकसान जाएगा चौवन और पचपन साल पर यहाँ पर फिर काम में दिक्कत आएगी ये देखो ये भाग्य रेखा है यहाँ पर कंसर्न गलत चल रहा है लेकिन इन रेखाओं का कंसर्न समझते हैं ये जो पीछे से रेखा आ रही है ना इस जगह पर देखो इन जगहों पर क्या कंसर्न चल रहा है इस जगह पर यानी इस बावन और त्रेपन पर कोई एक प्रॉब्लम जो कि 37 साल से शुरू हुई थी वो सॉल्व होगी यानी ये कोई आपके ससुराल पक्ष का मामला है जो कि 37 के करीब करीब में 37 अड़तीस से शुरू होगा वो थोड़ा बहुत टेंशन उसकी बावन त्रेपन पर जाकर क्लियर होगी ये चीज समझ आ गई अब देखो कोई हेल्थ प्रॉब्लम यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम साफ दिखाई दे रही है ये है चौवन और पचपन साल यहां पर ध्यान देना इस समय पर अपनी सेहत का अपने घर वालों की सेहत का ध्यान देना है ठीक है अब ट्रेंगल तो बनाया गया है ट्रेंगल तो बनाया गया है ठीक है लेकिन नीचे आइसलैंड को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी छप्पन पर भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन काम बनते रहेंगे एक बच्चे का साइन है ये रहा सत्तावन पर लेकिन इसका मतलब ये होता है जब बच्चे का साइन यहां आ जाए ना बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए यहां पर बच्चे सत्तावन सा ये सत्तावन पर हो जाए कुछ नहीं होता यानी चौवन से लेकर छप्पन साल तक बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए यह चीज याद रख लीजिएगा साढ़े अठावन साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी इकसठ और बासठ साल पर इस जगह पर कोई चेंजिंग आएगी मे बी प्रॉपर्टी शायद कोई परचेस करनी है या कोई खरीदनी है या इनसे रिलेटेड रेखा है काम बढ़ाने की रेखाएं जब भी आती है रेखा को टर्न मार दिया जाता है यानी ये रेखाओं को ऐसे कर दिया जाता है तो काम तिरसठ चौंसठ साल काम को बढ़ाओगे चौंसठ साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ये जब रेखा नीचे से आती है तो खर्चे और एक्सपेंडिचर बढ़ते रहते हैं छियासठ साल तक बढ़ते रहेंगे इस छियासठ साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी उसके बाद आपकी लाइफ में जब आपको इतना समझ आ गया कि ये रेखाएं ये रेखाएं ये रेखाएं ये सब स्क्वायर बने हुए हैं ट्रेंगल बने हुए हैं आपकी लाइफ में आपको बिजनेस ही करना ना पड़ेगा मैं राइट हैंड पर आपको पहले आपका हाथ दिखा देता हूं लेफ्ट हैंड पे तो सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं ये देखो ये रेखा ये रेखा ये सब क्या है आप काम करते हुए मिलोगे देखो कौन से काम बुद्ध अच्छा है ना बुद्ध के काम करो आप अपनी लाइफ में बुद्ध के काम कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के काम संचार के काम तोल वाले काम आप समझ रहे हो इंटरेक्शन क्लाइंट इंटरेक्शन ठीक है और कंसल्टेंसी के काम चंद्र अच्छा है आपका होलसेल का काम चंद्र का काम और चंद्र के काम पानी का शहद का दूध का ठीक है इसके अलावा कंसल्टेंसी बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी हो सकती है वो करो आप उसमें आपको लाभ मिलेगा यानी आपकी लाइफ में आप तरक्की करोगे लेकिन देखो तरक्की करने का कंसर्न कैसे चलता है इस रेखा ने इस रेखा को पकड़ रखा है इस रेखा को पकड़ रखा है ना यह क्या सूर्य से कौन कहां पर जा रही है बुद्ध की तरफ जा रही है सूर्य से बुद्ध की तरफ जा रही है बुद्ध आगे डिस्टर्ब दे रहा है यानी लिंक निकलने लिंक निकलने के बाद दिक्कत आनी यानी कोई दिक्कत तो आएगी आपको ठीक है यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समय समय पर दिक्कत आएगी लेकिन आपकी लाइफ में आप काम आप बिजनेस करो तो ज़्यादा आप कमाओगे आपके घर पर प्रॉपर्टी का कंसर्न रहेगा आपकी लाइफ में आप विदेश जाओगे याद रखना लेकिन ये रेखाएं जब भी चलती हैं मैं थोड़ा सा आपको आगाह करता हूँ अगर आपके पति की कोई बहन हो यानी आपकी नंद हो भाभी हो उनके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी परचेस कर तो कुछ पंगे जरूर पड़ेंगे यानी लॉसेस जरूर होगा वहां पर आप अपने पति को समझा सकते हो जहां तक आपके हस्बैंड का के नेचर की बात है तो नेचर तो यहां पर यही कह रहा है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा वो भी केवल उनके घर के पति बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस उनके अंदर होगी होगी आप विदेश में कोई भी सेटलमेंट नहीं है हाँ विदेश जाना की रेखा तो बनी है आपके हाथ में ठीक है वो तो बनी है मैं राइट हैंड पर कुछ रेखा दिखाता हूं देखो ये है आपका बुद्ध अब देखो बुद्ध पर आप अगर इन चीज़ों को वैसे पूछते हो मैंने इसको ये नहीं देखा मैंने इस पर पहले स्टडी करी मैंने कहा स्टडी करके ये ट्रेंगल बना हुआ है लेकिन यहाँ रेखा घूम रही है ये एक काली रेखा आई है यहाँ पर कंसर्न चल रहा है एक रेखा ऊपर गई एक रेखा नीचे गई यहाँ पर यार ये तो गलत है इनके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ गलत होगा लेकिन ये अपनी लाइफ में तरक्की तो करेंगी अब बीच में आइसलैंड देखने हैं कि आइसलैंड कितने है? इनको दिक्कत देते हैं देखो अब आइसलैंड से रिलेटेड देख दिखाता हूँ आप को क्या आपको ये आइसलैंड नहीं दिख रहा आपको वैसे दिखाई दे रहा था सॉफ्टवेयर में साफ समझ आ रहा है ये आइसलैंड और इसका मतलब आपको दिक्कत आएगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर तो जिस जिस समय पर मैंने आपको बताया देखो इसको शुरू कैसे करते हैं यहां छत्तीस साल से शुरू करेंगे इस छत्तीस साल से शुरू करेंगे अगर हमने इसको यहां से पकड़ते हुए मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी सबसे पहले एक आइसलैंड आ जाएगा उनतालीस साल पर क्या मैंने वहां पर आपको अड़तीस उनतालीस में कोई दिक्कत कही थी सर बोली थी आपने बोली थी आपने अगर वो दिक्कत कही थी तो आप इसको छोड़ो ही मत और आगे बढ़ते रहो सर क्या चालीस पैंतालीस में कोई दिक्कत बोली थी सर बोली थी आपने दिक्कत सर क्या आपने बावन तिरपन साल पर कोई या पचन पचपन पर कोई दिक्कत बोली थी हां सर बोली थी ओहो इट मीन्स कि यहां का कंसर्न यहां से निकालते हुए आगे बढ़ोगे तभी तो आप उसे करोगे अच्छा इसको ऐसे तो आप वैसे नहीं बता सकते कि इन रेखाओं का मतलब क्या है देखो आप क्या कर रहे हो टुकड़ा टुकड़ों में सर जी ऐसा करो ये तो सब उल्लू बना देंगे देखो ये रेखा अगर सर ये क्या साइन बना? है? अरे ये रेखा का मतलब बताओ ना इस रेखा का मतलब क्या है ये इकतालीस साल की रेखा इकतालीस साल पर कोई इन्वेस्टमेंट होनी है ये होनी है वहां इकतालीस साल पर एक उल्टा स्क्वायर बना था लाभ मिलना था यानी यहां पर था कुछ और मैंने कहा था चालीस इकतालीस इंक्रीज करोगे तो आप दूर से कैसे बता सकते हो दूर से ये स्क्वायर बने हुए हैं आपकी लाइफ में क्या आपको यहां पर क्या कोई नौकरी करनी चाहिए नहीं बिजनेस करना चाहिए बिजनेस करोगे आप करोगे आपके हस्बैंड करेंगे अगर नौकरी भी करते होंगे लास्ट में वो बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे इतना समझ लीजिएगा यानी आपकी लाइफ में कब कब क्या क्या दिक्कत आएगी जब ये रेखा यहां पहुंच गई ना इट मीनस कोई पंगा भी पड़ेगा विदेश में जाना है नो no डाउट विदेश भी जाना उसमें सफलता भी मिलनी है अगर कोई पंखा पड़ता है, सफलता भी मिलनी है डेफिनेटली मिलेगी लेकिन ये कंसर्न दिखेंगे आपको तो मैंने क्या कहा आपको वही चीजें समझाई थी लेकिन हमें समझ नहीं आता हम तो बस इतना कहते हैं। दूर से बता दो क्रॉस का मतलब बता दो क्रॉस आया तो क्या होगा हाँ अपने लिए ज्यादा चिंता करोगे ऐसे नहीं करते हैं पामिस्ट्री को ठीक है तो इनको पकड़ो इसको पकड़ोगे तब देखो मैंने आपका लेफ्ट राइट दोनों साइन पर जिस जिस जगह पर बताया पहले वो बता देता हूं ठीक है देखना ये वाला साइन क्या होता है घर पर परेशानी 10 से 11 साल पर परेशानी चौदह से पंद्रह साल में चेंज ये एक प्रॉपर्टी का कंसर्न सोलह से सत्रह साल पर ही घर पे प्रॉपर्टी का कंसर्न ये रेखा का मतलब है ये प्रॉब्लम अभी तक चल रही है ये इस साल तक चल रही थी यानी ये तेईस साल है तेईस साल तक ये प्रॉब्लम चल रही थी यहां पर तो ये कंसर्न यहां तक लगा रखा है सोलह से सत्रह साल के बीच में ये रहा यह है यहां पर दिक्कत यहाँ दिक्कत ये यह उन्नीस से बीस साल के में कॉलेज में जिम्मेदारी ये एक साइन छुटकू सा ये पेपर पेपर पास ही नहीं होगा यहां पे कोई ना कोई बैक लगती रहेगी यहां पर आरिये समझ बाईस से कुछ और करना है अपनी लाइफ में ये चीज समझ आ रही है अब ये देखो ये समय जो है पच्चीस मैंने कहा कहीं बाहर जाना चाह रहे हो ये देखो कोई कमाने का सिलसिला मैंने कहा चौबीस से कुछ कमाने का सिलसिला भी लग रहा है हाथ में नहीं वो तो छोटी मोटी ट्यूशन टूशन मैंने कहा ये ट्यूशन के लिए बीच में ये एक ट्रेंगल बना हुआ है पच्चीस से छब्बीस साल के बीच में ये कुछ अपना खोलना चाह रही है अभी मत खोलना अभी ये कोई बड़ा काम नहीं करना यह ट्यूशन वगैरह कर सकते हो तो कर दो ये क्या समय है सत्ताईस से अट्ठाइस साल एक तो आपकी शादी यानी इस समय पर मैंने कहा कहीं जाना चाहते हो नहीं आपने कहा नहीं मैंने कहा घर है घर बनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और फिर मैंने कहा ये 27 और अट्ठाईस साल पर थोड़ी सी घर बनने में दिक्कत आएगी लेकिन यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है यही कहा था मैंने आपको और उसके बाद देखो ये आना जाना ये आना जाना होता है और इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम ये घर का निर्माण तैतीस चौंतीस में राहु का प्रभाव घर पर कोई परेशानी जिसके कारण मायके में आना जाना ये सारी चीज़ें यहां से आप अपना कोई काम शुरू किया जा सकता है तीस से इकतीस साल के बीच में जैसे ही चौंतीस आएगा कुछ और करना चाहोगे तैतीस और चौंतीस में ही चेंज करने की संभावना बनेगी लेकिन छत्तीस साल पर नुकसान की रेखा है लेकिन यहां से काम बढ़ाना चाहते हो किसी तरीके से छत्तीस से लेकिन सैंतीस में दिक्कत अड़तीस उनतालीस साल ये भी दिक्कत का समय सैंतीस पर आपने एक नया काम शुरू करा है हीरा सैंतीस से छत्तीस सैतीस में दिक्कत है यहां से अब उनतालीस में घर पर दिक्कत ये रहा चालीस में हेल्थ प्रॉब्लम इकतालीस में लाभ ओह ये रहा तो आप किस लाइफ में यहां पर सारी चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही और उसके बीच में ऊपर क्या लिखा है चालीस इकतालीस में इंक्रीज करना चाह रहे हो तो यहां पर आपके पैसों की दिक्कत आएगी आपको काम नहीं चलेगा ये रहा यहाँ चालीस इकतालीस में चलेगा तैतालीस चौवालीस में फिर नहीं चलेगा पैंतालीस में दो लाइनें हैं यानी हेल्थ प्रॉब्लम और कोई प्रॉपर्टी बिकेगी प्रॉपर्टी सेल प्रॉपर्टी सेल लिखा हुआ है ठीक है ये लिखा हुआ है सैंतालीस से एक काम शुरू करो कि सैंतालीस से अड़तालीस साल उनचास में आकर उसमें दिक्कत आ जाएगी वो काम उन्नीस साल तक चलेगा ये कंसर्न सैंतीस वाला जो है बावन तिरपन तक चलेगा अब आपकी लाइफ में इक्यावन पर किसी को पैसा दोगे तो नुकसान हो जाएगा त्रेपन चौवन में काम नहीं चलेगा यहां चौवन पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी चौवन पचपन आइसलैंड पर चल रहा है लेकिन यहां बच्चा अगर बच्चे की कोई शादी करनी हो मत करना नहीं तो उससे दिक्कत आएगी सत्तावन साल पर ठीक होगा साढ़े अठावन साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आपको या आपके घर पर उसके बाद आपकी लाइफ में इकसठ बासठ यात्रा रेखा और बासठ तिरसठ चौसठ ये आपका काम बढ़ रहा है चौंसठ पर हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है और उसके बाद मैंने लिखा है छियासठ पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा और सारी चीजें हैं तो आपने यहां पर क्या देखा सूर्य पर्वत पर क्या देखा ऊपर क्या देखा यह रिश्ता आना शुरू हो जाएगा छब्बीस से सत्ताइस साल मुझे तो शादी लग रही है लेकिन ये एक ट्रेंगल जो 27 से 28 साल है तो यानी मैक्सिमम तो या इस, इस साल तक पर जब भी कोई कट के निशान आते हैं जैसे बत्तीस साल छत्तीस साल ठीक है उनतालीस साल इकतालीस साल छियालीस साल सैतालीस साल यहां पर हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड या ससुराल पक्ष से रिलेटेड आपको टें जरूर होनी है और आपके हस्बैंड से रिलेटेड मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पर आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो सावधानियां क्या बरतनी है ठीक है वो जो रेखा है जो हार्टलाइन के नीचे से रखी इकतालीस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ये देखो इस जगह पर 40 में दिक्कत थी तो मैंने यहां पर उधर 40 में क्या बोला था हेल्थ उनतालीस में घर पे प्रॉब्लम 40 में हेल्थ प्रॉब्लम कहा था देखो तैतालीस में दिक्कत 45 में घर पर कोई बीमार वहां पर मैंने कहा था दो रेखाएं पैंतालीस प्रॉपर्टी बिकेगी और घर पर कोई बीमार रहेगा तो ये मैच होती हैं या चीजें नहीं हो। ये जो साइन है ना 48 और अड़तालीस साल वाला राइट हैंड पर ये इंडिकेट करता है कि आपको लोन चल रहा होगा तो उतरेगा लेकिन कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस समय पर और मैंने वहां पर आपको सैतालीस तक एक प्रॉपर्टी बिकेगी टेक केयर कहा था और 48 से अपने कोई काम शुरू करना है यही कहा था ना बावन पर यहां पर दिक्कत है वहां चौवन पर यहां दिक्कत है तो मैंने क्या लॉसेस चौवन पचपन पर ध्यान देना बावन त्रेपन पर बोला था जो प्रॉब्लम पीछे से चलती आ रही है वो सॉल्व होगी तो यानी राइट हैंड मैच करता है नहीं करता है। ये वाली रेखा का कंसर्न ये वाली रेखा ये इकतालीस साल की रेखा थी अब बिना साल निकाले आप कैसे इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो बिना चीजें करे हुए इस जगह पर कैसे कह सकते हो कि बावन त्रेपन का कंसर्न कुछ चल रहा है किस से चल रहा है यह पीछे वाली लाइन से चल रहा है यहां पर भी तो इंडिकेशन दे रखी है मैच है मैच है मैच है राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैच है नहीं सर हमें तो ये बता तो अरे भाई मैं चेक कर सका कर दिया है एक एक हाथ आपका जिस साल में जो चीज होना है उसको पहले परख लो परख लो ठीक है एक बारी फीडबैक दे देता हूं अभी आपकी उम्र जो है पच्चीस साल दो महीने है ठीक है यहां पर कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ सोच रही है छोटा मोटा सोच लेना लेकिन 26 से 27 में एक रिश्ता आएगा और मेरे को साढ़े सत्ताईस साल तक आपकी लग रही है शादी हो जाएगी अगर आपने बोला नहीं है कहीं मैं बाहर जाना चाहती हूं तो मैंने यहां पर लिखा है कि अगर कोई घर पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो वो थोड़ी डिले होगी सत्ताईस से अट्ठाईस साल डिले होगी और यहां पिताजी की तबीयत का ध्यान रखना ठीक है और फिर भी उनतीस साल में भी कोई घर पर आपके ससुराल पक्ष में भी कोई बीमार पड़ेगा तीस में भी पड़ेगा तीस से इकतीस साल के बीच में कोई काम करना चाहो तो किया जा सकता है यहां पर लेकिन वो काम में तैतीस के बाद ही कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी आपके या आपके हस्बैंड के काम में थोड़ी सी लेकिन जैसे ही चौंतीस आएगा आप दूसरा काम शुरू करोगे और उसके बाद फिर छत्तीस में आपको आपके हस्बैंड को दिक्कत आएगी छत्तीस से लेकर आपकी लाइफ में यहां दिखते हैं यानी सैंतीस से एक नया काम शुरू करा नहीं चलेगा अड़तीस उनतालीस नहीं चलेगा का आपका उनतालीस में घर पर दिक्कत आ जाएगी और हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी चाहे मईके में हो या कोई और हो चालीस साल पर आपके घर पर कोई बीमार होगा लेकिन मैंने लिखा इकतालीस पर चाहे पापा की तरफ से या ससुराल पक्ष से कोई ना कोई प्लॉट या कोई चीज लाभ जरूर मिलेगा बावन साल पर घर पर परेशानियां तिरतालीस साल ठीक बयालीस साल ठीक है तैतालीस में थोड़ा सा मैंने कहा यहां पर जो प्रो, प्रोसेस जो चल रहा था कि आप थोड़ा सा काम बढ़ाना चाह रहे थे चालीस इकतालीस में तो तैंतालीस और चौवालीस साल पर थोड़ी सी दिक्कतें आपको काम के सिलसिले में आ रही हैं और हेल्थ प्रॉब्लम में भी आ सकती है पैंतालीस साल और छियालीस साल पर कोई प्रॉपर्टी बिकेगा कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार होगा तो उस चीज का ध्यान रखना सैंतालीस से अड़तालीस करोगे साल तक एक काम चलेगा इक्यावन पे किसी को पैसा दे दोगे तो नुकसान होगा बावन तिरपन पर जो काम जो चीजें आपके घर पर चल रही थी सैंतीस अड़तीस होंगी तिर चौवन पे काम नहीं चलेगा चौवन पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी पचपन और छप्पन अगर बच्चे की शादी करते

चंद्र अच्छा है और इनसे रिलेटेड अगर बिजनेस करोगे तो आप कर सकती हैं ठीक है थीके? धन्यवाद